लिखा है। अच्छा, नंबर भी दे दीजिएगा, बात कर लीजिएगा उससे। ऑप्शन शिफ्ट कर, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, बहुत बढ़िया। ये जो लास्ट एग्जांपल है, समझ गए थे तुम लोग? यस। हाँ, एक झूठ और बोल लो। यस सर, Raise your hand if you are telling a lie. मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे फील होता है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं, हम लोग सर। जब पता है तो ऐसा जिम्मेदारी मत लो। अच्छा जिम्मेदारी ये नहीं है, खराब जिम्मेदारी है। आइए नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग देखते हैं, कोशिश करके आज भी। तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन कर रहे थे ना, बेसिक कंपोजिट फंक्शन क्लियर हो गया लास्ट क्लास तक का। अब इस क्लास में हम लोग आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो है शेष रह गया है, वही न्यूमेरिकल्स अगर हो जाए तो ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? फाइंडिंग कंपोजिट फंक्शन ऑफ, सर आप कुछ लिख रहे हैं? नहीं दिख रहा। कुछ नहीं ना रहा? नहीं सर। हाँ अभी आ रहा है? यस सर। आप कहने पहले भी तो यही सिस्टम था। फाइंडिंग कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। देखिए, पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या होता है, इन चीजों को समझने के लिए हमें ऐसा करते हैं, जैसे कभी कभी हम फंक्शन क्या लेते हैं, साइन एक्स ले लिया करते हैं ना, तो साइन एक्स कंप्लीट डेफिनेशन होता है। यहाँ पे फंक्शन आपको ना टुकड़ों में मिलेगा, जैसे कि एक फंक्शन मेरा जो है वो डिफाइन किया गया है एक्स प्लस वन, इसका वैल्यू होगा जब x आपका लेस देन इक्वल टू वन होगा, और 2x प्लस वन इसका वैल्यू लेना है जब x का वैल्यू वन से बड़ा और दो से छोटा होता है, ठीक है? सिमिलरली हम लोग यहाँ पे gx भी डिफाइन करके रखे हैं, x स्क्वायर व्हेन माइनस वन से लेकर के टू तक जा रहा है, और x प्लस टू व्हेन टू से लेकर के x थ्री तक जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ एक्स का जो डेफिनेशन है वो दो डेफिनेशन है, वन या वन से छोटा के लिए आपका आउटपुट क्या मिलेगा, x प्लस वन के हिसाब से मिलेगा,
और वन और टू के बीच में जो है आउटपुट आपको 2x+1 के हिसाब से मिलेगा। सिमिलरली जी में भी आपके दो डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि हर एक जगह पर दो ही डेफिनेशन होगा, किसी में दो होगा, किसी में तीन भी हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको ना रेंज ऑफ इफ, रेंज ऑफ इफ क्या हो जाएगा, कैन यू कैलकुलेट रेंज ऑफ इफ, एफ एक्स की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं आप, रेंज ऑफ जी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस सर। तो कैलकुलेट पहले करो, देखता हूं क्या आता है। कौन सा कनेक्ट किया सर? ये अपना वाला, ये यहाँ वाला नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू फाइव थ्री, चलो जी में कॉमन बातें आई है, इसका मतलब जी का रेंज हो सकता है सही हो। जीरो से लेकर के पांच, जी का रेंज जीरो से पांच बताया जा रहा है, लेकिन एफ के रेंज में थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ रहा है। सो आप लोग एफ का रेंज फिर से कैलकुलेट करिए। वेरी गुड चैतन्य एंड पंकज, आप लोग का एफ का भी रेंज सही दिख रहा है। शिवा पर एफ के रेंज को चेक करो, दीपाली और कोशिश करो। हाँ वेरी गुड शिवा, हम बाकी लोग भी कोशिश करिए। बहुत बढ़िया ईशान,
और कोशिश करवा जाए अनीस, थोड़ा और कोशिश करो। आर्यन और कोशिश करो। किसका रेंज है अनीश? एफ का। और कोशिश करो, लगता है तुम कॉपी ओपी कर रहा है थोड़ा बहुत, है ना? नहीं सर, खुद से कर रहा है। अच्छा, खुद से कर रहे हो? यस सर। सरान, सागर, रेंज का मतलब तो सबको क्लियर है ना? राहुल, श्वेता, टेस्ट में तुम लोग इतना अच्छा अच्छा नंबर ले आता है, क्लास में क्या नहीं ले आता है? नंबर देखो जिसका 100 से ऊपर ही रहता है। और कोशिश करो ईशान। बता देते हैं ना, ये देखिए सॉल्यूशन, देखिए एफ जो डेफिनेशन फॉलो कर रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू वन के लिए, है ना? तो आप ऐसा समझो ना कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ, ठीक है, एफ एक्स, और एक्स प्लस वन है, और इसका डोमेन जो है सिर्फ x लेस देन 1 है। अब बताइए इसका रेंज क्या होगा? अगर मेरा f जो है इस तरीके से डिफाइंड होता तो इसका रेंज क्या लिखते हैं आपको? 0 से 2 लिखते हैं ना, पक्का? नहीं, सॉरी, माइनस इनफिनिटी से 2। इस पार्ट में माइनस इनफिनिटी से 2 हो जाएगा, राइट? बढ़िया। अगर आपको एफ एक्स कुछ इस तरीके से अगर दिया हुआ रहे 2x प्लस 1 और इसका डोमेन जो है सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 2 तक है, इसकी रेंज क्या लिखिएगा? जी हेलो, हाँ हाँ हाँ,
सर माइक म्यूट है। दो मिनट तुम लोग रुको बच्चा, एक अर्जेंट काम है थोड़ा, और चैट पे लिखो ना क्या आया है तुम लोग का, हम देख रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया रोशन, आशा है। बाकी लोग बताइए रेंज क्या होगा, ऐसा टाइप का रेंज तो फाइंड किए आप लोग। बहुत बढ़िया दीपाली सारांश। सागर राहुल तुम लोग भी करो। इतना व्यस्त आदमी है। बहुत अच्छा है शांत। सागर भेजेगा, आर्यन भेजेगा, देखिए भूल गया तुम लोग है ना। ठीक है बहुत बढ़िया राहुल, यहाँ पे वन रखना है और टू रखना है। वन पे थ्री मिल रहा है, टू पे फाइव मिल रहा है, तो ये कितना सो जाएगा, थ्री ओपन से लेकर के फाइव। इसलिए दोनों पार्ट के रेंज का क्या करना है, यूनियन कर देना है। सो रेंज ऑफ इफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव इंफिनिटी से टू यूनियन थ्री से लेकर के फाइव। समझ में आया सबको? यस सर। वेरी गुड। और इसी तरीके से जीएक्स में हम लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं, जो कि जीरो से फाइव लोग लिख रहे हैं। हम चेक कर लेते हैं इसको, है ना, कि जीरो से फाइव आ रहा है या नहीं आ रहा। सो जीएक्स का हम लोग देखते हैं पहला पार्ट। जब एक्स स्क्वायर है और एक्स का वैल्यू माइनस वन से लेकर के टू तक है, तब रेंज क्या हो जाएगी, और जब एक्स प्लस टू है टू से लेकर के थ्री तक है, तब रेंज क्या हो जाएगी। देखो एक स्क्वायर वाला में क्या रेंज बनेगा, वन से लेकर जीरो से लेकर के फोर, जीरो से लेकर के फोर। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा को डाउट भी है? और टू से लेकर थ्री में इसका क्या बन जाएगा, फोर से फाइव, फोर से फाइव। बहुत बढ़िया। और इन दोनों का यूनियन कर देंगे, रेंज ऑफ जी मिल जाएगा। ये हो गया आपका जीरो से लेकर के फाइव, ये क्लोज्ड ही होगा है ना, चूंकि यहां पे क्लोज्ड है जीरो से लेकर के फाइव। तो यहां पे आपका निगेटिव इंफिनिटी से टू और यूनियन थ्री से लेकर के फाइव,
तो रेंज तो हम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का रेंज फाइंड करना, समझ गए सब लोग? वेरी गुड। अब अगर मैं आपको पूछता हूं, टारगेट ये रेंज फाइंड करना नहीं था, टारगेट ये था कि अगर आपको मैं पूछता हूं कि यहां पे फॉग कम से कम एक एक्स के लिए डिफाइन किया जा सकता है या नहीं, यस और नो, गॉफ कम से कम एक एक्स के लिए डिफाइन किया जा सकता है या नहीं, यस और नो, फाइंड करिए, फॉग डिफाइन किया जा सकता है क्या? ओके अजय, बहुत बढ़िया। क्यों हम लोग यस बोल रहे हैं, क्यों डिफाइन किया जा सकता है? पंकज बताएगा फॉग क्यों मैं डिफाइन कर सकता हूं, मतलब क्यों डिफाइंड है कम से कम एक एक्स के लिए? सर एफ एक्स का रेंज जी एक्स के डोमेन में आ रहा है। गलत बात है एकदम, बिल्कुल। अजय बताएगा फॉग क्यों डिफाइन किया जा सकता है एटलीस्ट एक एक्स के लिए? सर जी एक्स के रेंज हाँ, अजय बता रहा था कि जी एक्स का रेंज जो है वो क्या है जी? एफ एक्स के डोमेन में आता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसलिए आपका एफ ऑफ जी डिफाइन किया जा सकता है। जी ऑफ एफ क्यों डिफाइन किया जा सकता है, आशय बताएगा? बोलिए आशा है। जी ऑफ एफ क्यों डिफाइन किया जा सकता है, बताते हैं। सारांश बता सकते हो? Yes, sir. बोलो सर। ये दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा, इंटरसेक्शन आ रहा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारांश की जरूरत आशय ने कंप्लीट कर ली, वेरी गुड। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बढ़िया बात है। अगर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ डिफाइन कर सकते हैं तो इनमें से कौन सा वैल्यू है जिसका इवेल्युएशन किया जा सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग
is a defined quantity in above case. इनमें से कौन सा जो है डिफाइंड क्वांटिटी है? एफ ऑफ जी ऑफ वन पॉइंट फाइव, बी जी ऑफ एफ ऑफ माइनस टू, D C F of G of three, D G of F of five. इनमें से कौन सा डिफाइंड क्वांटिटी है अबव केस में? मतलब हर एक डिफाइंड है रोशन के हिसाब से, ओके, एक छोड़ करके. अजय का कहना है एडी स्टिल वेरिएशन दिख रहा है आंसर में, आंसर में काफी वेरिएशन है. काफी ज्यादा वेरिएशन दिखाई पड़ रहा आंसर्स पर. कोई कहता है बी सी डी है, कोई कहता है ए बी सी है, कोई कहता सिर्फ सी डी है, कोई कहता सिर्फ ए डी है. भाई मैं कैसे पता कर लूं कोई कहता है सिर्फ बी है. कोई एसीडी कहता है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि कितनों की आंसर जो है सही है और कितनों की गलत है. मतलब आप लोगों ने जिस तरह से आंसर दिए है ना, उसमें अगर सही होगा तो किसी एक का सही होने का चांस दिख रहा है. Think correctly. आंसर चेंज होना शुरू हो गया. और सोचो रोशन, और सोचो पंकज, निशांत, और सोचिए. आराम से डिसीजन लो, हड़बड़ी नहीं करना है.
चैतन्य तुम्हारा ठीक है, आर्यन और सोचो, मैं इतना समय तुम लोग को दूंगा जितना मैं तुम लोग कम से कम करेक्ट कर लो सारे आंसर अपने। ठीक है सेवा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आ जाए। अनीश तो एकदम अड़ा हुआ, अरे डिफाइंड पूछा जा रहा है, नॉट डिफाइंड नहीं पूछा जा रहा है। अनीश ध्यान दो, पंकज सुधर गया, सारांश सुधारिए, आशय सुधारिए अपने आंसर। मतलब छोटे छोटे वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, फिर उसको चेक करना है कि वो दूसरे के डोमेन में है या नहीं है, इस बात में भी आप इतनी जो है समय ले रहे हो और गलतियां कर रहे हो। बहुत बढ़िया ईशान, बहुत बढ़िया सारांश, और कोई अपना आंसर करेक्ट करना पसंद करेगा बिफोर डिस्कशन? निशांत निशांत लगता है नाश्ता कर रहा, क्या आवाज नहीं आ रही उसकी? यस सर। अरे निशांत मैं बोल रहा हूँ, ईशांत नहीं बोल रहा हूँ, निशांत। यस सर, भेज दिया। मुझे भेज दिए, अरे तेरा। और सोचो निशांत, ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में एक्चुअली पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन, और ये तो हमने दो ही बार दिया ना, वो तीन तीन बार करके दे देता है, इधर उधर पिंग पोंग खिलवाता रहेगा। दीपाली का क्या राय है? और श्वेता एक भी आंसर नहीं सेंड की है। तुम लोगों में से गया में कौन कौन नहीं है अभी करेंटली, रेज योर हैंड। आप में से कौन कौन सा बच्चा गया में नहीं है? ईशांत और बाकी सब है। कितना समय लगता है ईशांत गया आने में? 1.5 hours सर। बस ना, ठीक है, तो तुम गया में ही yes, हो sir. गया में ही हो तुम, तो ऐसा करते हैं ना, देखो अब सरकार भी ऑफलाइन मतलब फिजिकल क्लास करवाने के मूड में है, आप लोगों का काफी ज्यादा लॉस हो रहा है इसकी वजह से, तो हम भी सोच रहे हैं कि अब क्या नाम है इसका, बसंत पंचमी में जो सरस्वती पूजा हो रही है उससे पहले तुम लोग कल से
क्लास करना है ना, कल से ऑफलाइन क्लास कर देते हैं, ठीक है? ऑफलाइन आप लोग रिपोर्ट करना शुरू कर दो, जिस टाइम पे क्लास है उस टाइम पे ही। समझ में आई बात? ठीक है सर। यस सर। हाँ, जिनको जिनको समझ में नहीं आई वो हाथ खड़ा कर दें, वर्चुअल हैंड। चलो, सबको समझ में आ गई है। सो बेसिकली अनाउंसमेंट ये है कि कल से जो क्लास हम लोग करेंगे वो फिजिकल क्लास करेंगे, ठीक है? और यहीं पर रिपोर्ट करना है सबको, बैग बैगे जो भी लाते थे जैसे उसी तरीके से। इज इट लॉड एंड क्लियर? यस सर। वेरी गुड। राहुल सारांश, सागर को बोल देना। यस सर। हाँ यस सर, ठीक है। हाँ, तो निशांत का आंसर करेक्ट हो गया है फाइनली, और अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले आपको जी ऑफ 1.5 कैलकुलेट करना होगा ना, और जी ऑफ 1.5 एफ के डोमेन में होना चाहिए। तो जी ऑफ 1.5 अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 डेटा जो है फर्स्ट पार्ट में होगा, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25 ना। तो ये बेसिकली एफ ऑफ 2.25 मिल रहा है, और एफ के डोमेन में 2.25 देखनी है, बट एफ का डोमेन जो है 2 से छोटे नंबर के लिए है ना, इसका मतलब ये डिफाइंड नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। दीपाली, ईशांत, यस सर, सारांश, यस सर, वेरी गुड। एफ ऑफ -2 किसके डोमेन में होना चाहिए, जी के डोमेन में होना चाहिए। सो एफ ऑफ -2 किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा राहुल, ये बताएगा। एफ ऑफ -2 ऊपर वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा या नीचे वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला फॉलो करेगा, इसका मतलब एफ वैल्यू -1 बन जाएगी। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग आर्ग्यूमेंट वी आर गेटिंग जी ऑफ -1, और -1 देखते हैं किसके डोमेन में है। अरे ये तो है, आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। सो ये डिफाइंड है ना। जी ऑफ थ्री का वैल्यू क्या होगा, रोशन बताएगा। 9 कैसे सर, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर 2 ही तक वैलिड है। 5 होगा सर। 5 होगा, है ना अनिश, बहुत बढ़िया, समझे रोशन। यस सर। तो ये हो गया एफ ऑफ 5, क्या 5 एफ के डोमेन में है रोशन? नहीं सर। नहीं, इसका मतलब ये डिफाइंड नहीं है। एफ ऑफ 5 की वैल्यू श्वेता बताएगी। श्वेता आप सुन रही हैं? यस सर। बताओ क्या वैल्यू होगा एफ ऑफ 5?
सी इज ट्रैप्ड इन कंफ्यूजन. सर एफ ऑफ 5 डिफाइंड है. डिफाइंड नहीं है रोशन. आर्यन डिफाइंड नहीं है क्या? तो अगर डिफाइंड नहीं है तो जी के अंदर नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है. इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड है तो जी नॉट डिफाइंड होगा, है ना? यस सर. इसका मतलब ये भी डिफाइंड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ बी डिफाइंड था. क्लियर? यस सर. इसी तरीके से डोमेन रेंज का गेम खेलते रहना है. फंक्शन में डोमेन रेंज ही सब कुछ है और कुछ नहीं होता है. इसलिए अच्छे से डोमेन और रेंज का मतलब समझ लें. अब देखिए, जैसे ही आप इतना कुछ समझ चुके हो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सप्रेशन. व्हाट विल बी फंक्शनल एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ जी? फंक्शनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका? मतलब x प्लस 1 होगा या x प्लस 2 होगा, कैसा दिखाई पड़ेगा? फंक्शनल एक्सप्रेशन ये नेक्स्ट टारगेट है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए और वहां पर काम करेंगे. होल्ड डाउन हाफ मिनट. या फंक्शन. वेरी गुड. सो हमारा सेम क्वेश्चन अभी भी चल रहा है, चेंज नहीं है. एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 2x प्लस 1, 1 से लेकर के 2 तक, और gx है x स्क्वायर x प्लस 2 और माइनस 1 से लेकर के 2 तक और 2 से लेकर के 3 तक, है ना? फंक्शनल एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं. इसका f ऑफ जी एक्स का देखिए किस तरह से फाइंड करनी है. सबसे पहले देखो f के अंदर क्या आ रहा है, g ऑफ एक्स आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम एलजेब्रिक अप्रोच से चलेंगे. ठीक है, दो अप्रोच है, एक एलजेब्रिक अप्रोच है और दूसरा है ग्राफिकल अप्रोच. सो हम एलजेब्रिक अप्रोच से चलेंगे. अच्छे से फोकस करिएगा. आप सबसे पहला स्टेप लिख लीजिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. एक्स की जगह पर कौन आ गया है? जी एक्स आया है, तो जी एक्स प्लस 1 लिख लेंगे. और यहां पर भी एक्स की जगह पर आपका क्या है, जी एक्स लेस देन इक्वल टू 1. फिर आप यहां पे लिखोगे 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस 1 और
वन से लेकर के जी ऑफ एक्स कहां तक जाए, दो तक। इतनी काम कर सकते हो सब लोग, एक्स की जगह पर जी एक्स बैठा सकते हैं ना। अब देखो क्या है, जिस तरीके से आप जी एक्स का रेंज फाइंड करते हैं वैसे ही जी एक्स का इनइक्वालिटी आपको फाइंड करना होगा। क्लियर? कि जी एक्स लेस देन इक्वल टू वन कब कब है। सो इमीडिएट टारगेट जो हमारा आ गया है, can we find x if g of x is less than equal to 1। क्या आप x की वैल्यू बता सकते हो जहां जहां पर gx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, फाइंड कर सकते हो आप लोग? देखिए कैसे मिलता है x, ट्राई करो एक बार। बहुत बढ़िया चैतन्या, अनीश और कोशिश करो। बहुत अच्छा आ जाए, वेरी गुड शिवा। बहुत अच्छा निशान, क्या अप्रोच है जीएक्स लेस देन इक्वल टू वन फाइंड करने का? कैसे फाइंड कर रहे हैं निशांत, समझाओ मुझे कैसे फाइंड कर रहे हो। बहुत बढ़िया पंकज, आशा है और कोशिश सर। लेस देन इक्वल टू वन है तो हाँ। देख लिए कि इसका मतलब जो डिफाइंड रेंज है वो कहां से कहां होगा। अच्छा, तो जैसे जी ऑफ एक्स का जो रेंज था वो जीरो से फाइव था, बिल्कुल, और इसमें कहा लेस देन इक्वल टू वन, तो पता चल गया कि जीरो और वन ही मतलब उसके बीच का ही आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो फिर उसे देख ले कि कौन सा डोमेन मतलब इसका एक्स का होगा। वेरी गुड, देखिए क्या है, जी एक्स लेस देन इक्वल टू वन फाइंड करना है तो जी डिफाइंड होने के लिए हम लोग को ये पता है कि माइनस वन से थ्री तक ही आंसर होगा जो भी होगा, है ना। हम लोग को ये क्लियर कट आइडिया है कि g ऑफ x को डिफाइन होने के लिए माइनस वन से थ्री तक ही x का वैल्यू हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे हम लोग कि डोमेन हमारा g का माइनस वन से थ्री तक। नाउ g x दो तरीके का एग्जिस्ट करता है। पहला इसका जो तरीका है वो है x स्क्वायर, जब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, जब ये x स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस समय हम क्या लिख रहे हो, माइनस वन से लेकर के छोटा है। दूसरा इसका एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है, एक्स प्लस टू टाइप का है और ये लेस देन इक्वल टू वन लेते हैं हम लोग। क्लियर? मतलब वैसे एक्स हो सकते हैं आंसर में जिसका आउटपुट एक्स स्क्वायर के हिसाब से मिलता हो, और वैसे एक्स भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी मे बी और मे नॉट बी जिसका आउटपुट x 1 से कम मिलता, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि gx का जो आप x स्क्वायर लिखते हो उसके लिए x की कंडीशन क्या होती है,
x माइनस वन से टू के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और इनका सॉल्यूशन जो आता है वो आता है माइनस वन से लेकर के वन तक, और दूसरे का जो सॉल्यूशन आता है वो आता है x लेस देन इक्वल टू माइनस वन। अब आप बता सकते हो कि कौन सा पार्ट लेना है, x स्क्वायर वाला सॉल्यूशन लेना होगा या फिर x प्लस टू वाला सॉल्यूशन लेना होगा। यहां पे कह रहा x लेस देन इक्वल टू माइनस वन, और माइनस वन से सिर्फ माइनस वन तो पॉसिबिलिटी है ना। देखो माइनस वन पर तो डिफाइंड है, लेकिन हम ये जो डेफिनेशन यूज कर रहे हैं वो कौन से x के लिए डिफाइन कर रहे हैं, टू से लेकर थ्री तक के लिए ना। जब आपका x कहां से बिलोंग कर रहा हो, माइनस वन से लेकर के टू ओपन तक, तब जाकर के आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। और जब आपका x जो है वो टू से लेकर के थ्री तक का बिलोंग कर रहा हो, तब आपको ये डेफिनेशन लेकर के चलना है। तो बताइए यहां पर कुछ सॉल्यूशन मिला के आपको क्या करना होगा, इंटरसेक्शन करते हैं ना हम लोग, याद है सबको इंटरसेक्शन करने वाला जो मॉडुलस में करते थे हम लोग केस बना करके। आशा याद है, राहुल सारांश सर क्या पूछे, मॉडुलस, मॉडुलस वाला जो हम लोग इतना सारा केस बनाते थे कि केस नंबर जब एक वन से लेकर के टू तक है, टू से लेकर थ्री तक है, ऐसा वाला जो सॉल्यूशन करते थे वो ध्यान में है? यस। तो वैसा ही है ना, हम केस ले रहे हैं कि जब x मेरा माइनस वन से टू तक है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर लेस देन वन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वन से वन तक मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है राहुल? यस सर। वेरी गुड। श्वेता समझ में आ रहा है? यस सर। अनीश फिर से बताऊं? नहीं सर, यही वाला लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों का, माइनस वन से वन, माइनस वन से वन तक का हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि x माइनस वन से वन तक का हो गया, बढ़िया हो गया। चलो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है ना। तो इस पार्ट को आपने सॉल्व कर लिया तो हम f ऑफ जी एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रहे हैं। बताओ x जब माइनस वन से वन होगा तो जी एक्स का क्या फार्मूला लेना होगा, x स्क्वायर ना? यस सर। तो हम जी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, x स्क्वायर रखेंगे प्लस वन, और यहां पे इसका सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा, x बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर के वन तक चलेगा। अब दूसरी केस, अब दूसरी केस हम लोग को ट्राई करना है। दूसरी केस ये है कि हम लोग जी एक्स को वन से टू के बीच में सॉल्व करेंगे। जी एक्स वन से टू के बीच में सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हम लोग को क्या करना होगा, इसका दो केस लेना होगा।
जब एक्स माइनस वन से टू के बीच में है तो केस नंबर, जब एक्स मेरा माइनस वन से टू के बीच में है और केस नंबर सेकंड, जब एक्स मेरा दो से लेकर के तीन के बीच में है, जब एक्स माइनस वन से दो के बीच में लेंगे तो जी एक्स को क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो लिखेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टू एंड ग्रेटर देन वन, ठीक है। और जब एक्स आपका दो से तीन के बीच में है तो जी एक्स को क्या लेंगे, एक्स प्लस टू लेंगे, लेस देन इक्वल टू थ्री और लेस देन इक्वल टू टू। सबको क्लियर है? यहां तक yes, सबको क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अब देखो इसका सॉल्यूशन आप लोग करना जानते हो ना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। एक तो मिल जाएगा माइनस टू से लेकर के माइनस वन यूनियन वन से लेकर के टू मिल जाएगा, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बताओ, क्या इंटरसेक्शन मिलेगा? रूट टू होगा, रूट टू आ रहा है ना, हाँ रूट टू होना चाहिए। तो क्या इंटरसेक्शन लेना होगा, देखो ये कह रहा है कि माइनस वन से आगे बढ़िए या बराबर रखिए, तो माइनस वन वाला तो ये हो गया है ना, और इनका कहना है कि वन से रूट टू तक जो होगा एक्स, ठीक है, तो यहां पर भी वन से रूट टू है, तो हम क्या कहेंगे इसको, हम ये कहेंगे कि आपका एक्स क्या क्या मिलेगा बोलो, देखो थोड़ा सा मिस्टेक, माइनस वन से रूट टू, माइनस वन से टू रूट टू, अच्छा जी एक्स इधर है ना, देखो इधर से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो ये चीज आ रहा है, हाँ तो क्या आया कॉमन सॉल्यूशन, क्या मिला माइनस वन से रूट टू, माइनस वन से रूट टू यूनियन माइनस, ठीक है। एक करेक्शन और करना, देखिए हम जी एक्स को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वन पे देखो ब्रैकेट ओपन है ना, और टू पर क्लोज्ड है, तो ये सही लिखा हुआ यहाँ पे एरर हो गया, इसको करेक्ट करते हैं पहले, हाँ तो ये हो जाएगा रूट टू पर क्लोजिंग और वन पे, इरेजर से इसको साफ ही कर देते हैं, अब देखिए अब क्या आंसर मिल रहा है, माइनस रूट टू पर क्लोजिंग वन पर ओपन माइनस वन पर, और वन से लेकर के रूट टू तक, हाँ तो यहां पर सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा हम लोग को, वन से लेके रूट टू तक ना, देखिए ये जो है माइनस वन से टू और वन से रूट टू, तो ये छोटा ना सेट हो गया, तो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, वन से लेकर के रूट टू तक, इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड, इसको सॉल्व करते हैं, सबको समझ में आया जी, वन से रूट टू? यस सर।
काफी फोकस करने वाली चीज है, थोड़ा सा भी छूटा एरर श्योर है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा -201, मतलब 0 से लेकर के x आपका 1 तक आ रहा है, 0 से लेकर के x आपका 1 तक आ रहा है। और फिर देखो हम लोग क्या मिस्टेक किए हैं, ये x की डोमेन बता रहा है ना, बट यहां तो हम लोग g को रिप्लेस कर रहे थे, बताओ ये लाइन गलत है, क्यों गलत है सर? क्योंकि gx का जो रेंज है वो ये दिया हुआ है, 1 से 2 लेकर के चलना है ना, तो यहां पे 1 से 2 लेना होगा। और अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, बोलो, माइनस वन से लेकर के 0 तक। सो इज देयर एनी सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। मतलब ये हो रहा है कि इस पार्ट को सॉल्व हमने किया तो x का वैल्यू 1 से रूट 2 मिला, और 1 से रूट 2 दोबारा x स्क्वायर में ही आता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से x स्क्वायर ही रख देंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और x जो मिला हमको वो 1 से लेकर के रूट 2 मिल गया। सबको समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लेते हैं ना, देखिए क्या करना है, f ऑफ gx अंदर वाला फंक्शन को x की जगह पर ना लिख डालो हर जगह। अब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना कि gx लेस देन इक्वल टू 1 कब होता है, तो gx लेस देन इक्वल टू 1 सॉल्व कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो gx को दो डेफिनेशन है, एक x स्क्वायर है, एक x प्लस 2 है। तो हम ये बोलेंगे कि x स्क्वायर वाला डेफिनेशन अगर हम यूज करना चाहते हैं तो x माइनस 1 से 2 रखना होगा, और x प्लस 2 डेफिनेशन अगर यूज करना चाहते हैं तो x को 2 से 3 होना पड़ेगा, ठीक है? बढ़िया चीज है। लेट अस से कि x हमारा इफ पॉसिबल माइनस 1 से 2 है, तो x स्क्वायर को हमने लेस देन 1 कर दिया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 करना था कर दिया, यहां से सॉल्यूशन माइनस 1 से 1 आ गया। अब हम देखेंगे कि x जो हम सोच करके चल रहे थे उनमें से कौन कौन सा मैच किया, तो इस केस में तो सारे के सारे x मैच कर गए। सेकंड केस में हम सोच रहे थे कि x मेरा 2 से 3 मिलेगा, उसके बीच का मिलेगा, लेकिन यहां पर x जो है माइनस 1 से बराबर या छोटा मिल गया, इसलिए नो कॉमन x मिला है ना, यहां पे भी नो कॉमन x हो गया। तो हम ये कह रहे थे कि gx लेस देन इक्वल टू 1 तभी होगा जब x आपका माइनस 1 से 1 होता है, और जब x आपका माइनस 1 से 1 है तो आप पे डेफिनेशन लागू होगा x स्क्वायर का। सो gx को रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर से। समझ गया बच्चा पहला पार्ट? यस सर। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि gx आपका 1 से 2 के बीच में कब कब है, तो हमने बोला कि हो सकता है कि x जब माइनस 1 से 2 के बीच में है तब होगा, हो सकता है x 2 से 3 के बीच में है तब होगा। तो यहां पर हमने देखा कि 1 से 2 के बीच में x है, लेकिन हमें gx का डेफिनेशन x स्क्वायर लेना है, तो सॉल्यूशन किए तो x का वैल्यू 1 से रूट 2 आया, और माइनस रूट 2 से माइनस 1 आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन हमने किया तो 1 से लेकर के रूट 2 आ गया। वेल गुड, 1 से रूट 2 में x
जब होता है तो एक्स जी एक्स का डेफिनेशन एक्स स्क्वायर होता है, तो जी एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे जब भी रखेंगे तो इस एक्स के लिए। लेट अस ट्राई टू सॉल्व, अगर एक्स हमारा 2 से 3 में कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उस समय जी एक्स का डेफिनेशन है एक्स प्लस टू, तो हमने एक्स प्लस टू लिया है और 1 पे हमने देखा और 2 के बीच में देख लिया तो x माइनस 1 से 1 आ रहा था, इस केस में नो सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है 1 से रूट 2 और इस समय gx का जो डेफिनेशन है वो है x स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर gx की जगह पर x स्क्वायर लिखोगे। समझ में आ रही है बात? Yes, ठीक है। तो ये काम काफी टेढ़ा होता है लेकिन आप लोग को ना थोड़ा पेशेंस रख करके इस काम को सीखना है, ठीक है, मतलब जब तक जरूरत ना पड़े तब तक इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, मतलब जिस ऑर्डर में आपको बताया जा रहा है उसी ऑर्डर में आप चले, क्लियर। अगर आपसे वैल्यू पूछता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर ले, इतना काम करने की जरूरत नहीं है। सो ये एफ ऑफ जी हो गया। अब हम लोग जी ऑफ एफ एक्स हो सकता है कि थोड़ा फास्ट काम कर सकते हैं ना, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जी ऑफ एफ एक्स देखेंगे थोड़ा स्पीड के साथ। तो हमारे पास g ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना है, जहां पे हमें दिया हुआ है जी एक्स का डेफिनेशन एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1 से लेकर के आपका एक्स 2 तक है और एक्स प्लस 2 है आपका 2 से लेकर के 3 तक, और एफ एक्स की डेफिनेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 1 when x less than equal to 1 and x 2x plus 1 when आपका x greater than 1 or less than equal to 2 है ना। तो हम लोग को g of fx find करना है, तो शुरुआत कहां से करनी है वही चेक करना है हम लोग को। शुरुआत ये करना है कि g के अंदर एफ एक्स है तो g के डेफिनेशन में x को एफ एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे और एफ एक्स को कंपेयर कर लेंगे माइनस 1 से लेकर के 2 से। फिर हम एफ एक्स लिखेंगे यहां पर एफ एक्स प्लस 2 और यहाँ पे एफ एक्स आपका हो जाएगा 2 से लेकर के 3 के बीच में, है ना। अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला केस जब आपका एफ एक्स जो है माइनस 1 से 2 के बीच में है, और इसमें भी आपका 2 केस है जब आपका x less than equal to 1 है, एक ये केस है और दूसरा केस है जब आपका x less than equal to 2 है but greater than 1 है। जब x less than equal to 1 है तो fx की जगह पर हम x plus 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x plus 1 जो है आपका वो 2 से छोटा है और minus 1 से बड़ा या बराबर है। तो यहां से सॉल्यूशन आपको मिल रहा है 1 से छोटा और माइनस 2 से बड़ा x। इज देयर एनी कॉमन x, तो ये कह रहा 1 से छोटा या बराबर चाहिए और ये भी आपको क्या कह रहा है कि 1 से छोटा ही चलेगा, तो इसका मतलब कॉमन x हो गया आपका माइनस 2 से लेकर के 1 ओपन तक चलेगा। अब हम लोग x को 1 से लेकर के 2 तक में सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग को 2x plus 1 लेना होगा और less than 2 है और greater than equal to minus 1 है, और यहाँ पे अगर हम x को सॉल्व करते हैं
तो ये हो गया माइनस वन से लेकर के वन बाय टू तक. सो इज देयर एनी कॉमन एक्स? नो कॉमन एक्स है ना, कोई कॉमन ही नहीं है. ये आपका हाफ तक जा रहा और ये बंदा जो है आपका वन से स्टार्ट हो रहा, इसलिए कोई कॉमन नहीं है. सेकेंड केस हम सॉल्व करेंगे जब एफ एक्स हमारा दो से तीन है, दो से लेकर के तीन है. इसमें भी आपका दो केस होगा, जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन सॉल्व कर रहे हो और जब एक्स का वैल्यू हम लोग वन से लेकर के टू सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, तो जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन लेंगे उस समय एफ एक्स की डेफिनेशन है एक्स प्लस वन. सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू थ्री और ग्रेटर देन इक्वल टू टू. तो यहाँ से सॉल्यूशन आपका मिल रहा है वन से लेकर के एक्स का वैल्यू टू तक जा रहा है. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वन से छोटा चाहिए और ये कह रहा है वन से बड़ा चाहिए. सो ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल टू वन. ठीक है, और इस केस में अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को लिखना होगा टू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू टू थ्री और ग्रेटर देन इक्वल टू टू. तो यहाँ पे अगर एक्स आप सॉल्व करते हैं तो वो मिल रहा है आपको हाफ से लेकर के वन तक क्लोजिंग. कुछ कॉमन मिल रहा है एक्स, ये वन तक क्लोज है और ये वन से स्टार्ट हो रहा है, सो नो कॉमन एक्स. समझ में आई बात यहां तक? और अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इनको चेंज करके लिखोगे. बताइए, सबसे पहले जो डोमेन आ रहा है माइनस टू से लेके वन तक आ रहा है, तो माइनस टू से लेकर के वन तक में एक्स एफ एक्स का डेफिनेशन एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा. दूसरा आपका यहां पर कोई कॉमन एक्स नहीं है, टू से थ्री में हम देख रहे हैं कि एक्स इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ वन मिल रहा है, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू वन और इस समय डेफिनेशन है आपका अगेन एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री. ठीक है, तो ये आपका हो गया जी ऑफ एफ एक्स. समझ में आया सबको? एक्स प्लस थ्री सर. एक्स प्लस टू तो पहले से है, देखो एफ एक्स प्लस टू है ना, तो यहाँ पे आप रखोगे एक्स प्लस वन और प्लस टू, तो टोटल कितना हुआ एक्स प्लस थ्री हो गया. समझ में आया जी? यस सर. यस सर. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी डोमेन वगैरह है ना वो डिफाइंड होना चाहिए, एफ एक्स में परमिसिबल होना चाहिए, जो कि परमिसिबल है. मतलब वन से आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा. जैसे वन पर यहाँ पे वैल्यू कितना होता है, तीन होता है. ठीक है, तो वन से आगे जाओगे तो ये तीन से बड़ा होगा तो ये एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वन तक जा पा रहे हैं. क्लियर? अब यहाँ पर एक बात ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे भी लगभग चार बन रहा था और ये भी वन रखने पर चार बन रहा है. तो वैसे केस में कई बार क्या होगा ना, कई बार एक्स प्लस थ्री को रिप्लेस करके एक्स प्लस वन ही रख देता, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि हर जगह एक्स प्लस वन ही रखना है और ये बराबर वैल्यू दे रहा है, तो डायरेक्ट माइनस टू से लेकर वन तक आप लिख सकते हो. इस केस में जी ऑफ एफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जब एक्स आपका माइनस टू से लेकर के वन तक है. डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आया? मतलब एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन एक्स इक्वल टू वन पर ना दोनों बराबर वैल्यू दे रहा है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं. क्लियर है जी? यस सर. यस सर. ठीक है,
तो यही है आपका कंपोजिट फंक्शन, और इसमें हमने अभी ग्राफिकल अप्रोच नहीं लिया है। ग्राफिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि ये जो आप इनइक्वालिटी है ना, इसको ग्राफ से सॉल्व करते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, मैं होम असाइनमेंट आपको लिख देता हूं आज, जो लोग ग्राफ ट्राई नहीं किए हो, है ना, वो ग्राफ तो ट्राई करोगे ही, लेकिन आज का होम असाइनमेंट भी आप ट्राई करके लाओगे, समझ गए। तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं, हैव अ नाइस डे। मैं होम असाइनमेंट इसमें लिख दूंगा। थैंक यू सर, बाय बाय। सो कल से फिजिकल क्लास है, ध्यान है ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है।